दोस्तों ये मूवी देखने के बाद ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूम गया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एक स्पाई मूवी देख रहा हूँ या मैं फॉरेन कंट्रीज़ घूम रहा हूँ। क्योंकि इस मूवी के अंदर भाई जितने भी करेक्टर्स हैं उनको फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा घुमाया गया है, नेपाल, जॉर्डन और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये शूट की गई है। बट अगर बात आए मूवी की कहानी के ऊपर, तो भाई मूवी की कहानी में आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता। और जो सुभाष चंद्र बोस को लेकर चीजें दिखाई गई है मूवी के अंदर, भाई कुछ भी नया देखने को आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको वही सब दिखाया जाएगा जो आप ऑलरेडी जानते हो। और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल जाएगी। तो इस मूवी के अंदर भाई क्या कुछ नया है, कुछ भी नहीं है। मैं जब मूवी को देख रहा था तो मुझे ऐसा ही लगा था कि भाई सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ तो खुलासा होगा, यानी कि हमें कुछ तो नया देखने को मिलने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिखाई जाएगी वो लास्ट के कुछ ही मिनटों में आपको दिखा दी जाएगी, बट उसमें भी आपको कुछ खास मजा नहीं आने वाला। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्पाई मूवी की, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। लगभग 2 घंटे 15 मिनट की ये फिल्म क्या कुछ खास इंटरेस्टिंग चीजें लेके आती है, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन मिनट में। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की, तो इस मूवी के अंदर आपको जितने भी करेक्टर्स नजर आएंगे आप उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है आपको रियल जैसा फील नहीं करा पाएगी कि आप पूरी मूवी के एंड तक उनके साथ में कनेक्ट हो जाओ। और स्पेशली मैं कहूंगा निखिल सिद्धार्थ की जो एक्टिंग है ना दोस्तों, वो मुझे लगा था कि निखिल सिद्धार्थ भाई स्पाई के रोल में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, यानी कि स्पाई का जो रोल होगा ना वो बहुत ही ज्यादा बखूबी निभाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो स्पाई का रोल निखिल सिद्धार्थ ने किया है वो उस रोल में जच ही नहीं रहा था, क्योंकि वो इमोशन नहीं झलक रहा था। वो एक जो चीज होती है ना, जो एक फील होता है कि भाई आपको उस करेक्टर के साथ में पूरी तरीके से कनेक्ट कर ले, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होने वाला। और पूरी मूवी के अंदर आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक स्पाई मूवी देख रहे हो। और अगर मैं बात करूं मूवी की कहानी की, तो मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक कादिर नाम का बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है, जो कि इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहा होता है, यानी कि वो बहुत बड़ा ऐसा षड्यंत्र रच रहा होता है जिससे कि पूरा इंडिया तबाह हो जाए। यानी कि वो छोटे मोटे टेररिस्टों की तरह किसी भी जगह पे बम ब्लास्ट नहीं करना चाहता, वो पूरे इंडिया को ही तबाह कर देना चाहता है। अब ऐसे में जो हमारी रो होती है वो एक स्पेशल एजेंट को भेजती है इन सब चीजों को रोकने के लिए, तो वही सब चीजें आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। तो देखना ये है कि भाई हमारी जो रो है वो क्या उस आतंकवादी को रोक पाएगी न्यूक्लियर अटैक करने से। तो यही सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, मूवी जिस तरीके से शुरू होगी और जो हमारा शुरू में हीरो की एंट्री होती है एक रो एजेंट के रूप में, और जब वो चलाता है गोलियां दो 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 दो, भाई आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये चल क्या रहा है। मतलब शुरू में आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये मूवी के अंदर चल ही क्या रहा है, आप बेफिजूल में बस देख रहे हो, मतलब आप देखे ही जा रहे हो देखे ही जा रहे हो। और आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि भाई असल में मूवी की कहानी ये है। बट दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, मूवी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट कुछ खास नहीं आने वाला। जब ये मूवी अपने सेकेंड हाफ में आ जाएगी तो आपका जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा वो बनना शुरू हो जाएगा। और जो इस मूवी का क्लाइमेक्स आता है भाई, क्लाइमेक्स में भी आपको कुछ खास मजा नहीं आने वाला, यानी कि जो इस मूवी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं उसमें भी आपको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आने वाला। क्योंकि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाएंगे और जो मूवी की कहानी है और जो क्लाइमेक्स है, आप इस तरह की चीजें ऑलरेडी बहुत सी फिल्मों में देख चुके हो। इस मूवी के अंदर कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलने वाला। और मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो एंगेजिंग है, आपको बांध के रखता है पूरी मूवी के एंड तक, बट उतना ज्यादा कुछ खास आपको नया देखने को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों अगर आपका मन है फिर भी ये मूवी देखने का, तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।